आईटी की किट है जिसमें आप कंप्यूटर की सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने कराई हुई। आज हम इस किट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 महीना पहले से मैं CFC का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम CFC संकल्प है। ये एक RPM NFDC का प्रोजेक्ट है जिसको मैं करीब जनवरी से कर रहा हूँ, और इसके पहले भी मैंने वीडियो बना करके आपको बताया भी था कि CFC के अंदर एक CFC संकल्प प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि NFDC का प्रोजेक्ट है। NFDC ने CFC को फंड किया था मोबिलाइजिंग करने के लिए। मोबिलाइजिंग मतलब केवल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ ट्रेनिंग पार्टनर अलाट किए गए थे, उनसे मिल करके आप वर्किंग कर सकते थे। तो मैंने जनवरी में मोबिलाइजिंग करी हुई थी, उसके बाद फिर अगस्त और सितंबर और इसके पहले जुलाई के बाद मैंने काम ही स्टार्ट किया हुआ था, तो वो मैंने काम खत्म कर दिया। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई, अगर आपको नहीं पता है कि CFC संकल्प प्रोजेक्ट क्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो दे दूंगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कि CFC जो संकल्प जो प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों उसी की ना टूल किट आई हुई है मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे। उसका जो सामान था 2000 रुपए का सामान, इस RPL प्रोजेक्ट में 2000 रुपए का सामान दिया जा रहा था और 500 रुपए डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहे थे, तो उसी का जो टूल किट है ना, जो सामान है वो मेरे पास आया हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्लस हैंड एम्ब्रॉयडरी का। तो ये चीज़ें सामान आए हुए हैं, तो आज आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो सामान है वो किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें भेजा है NFDC ने। ये ध्यान रखिएगा, ये CFP को केवल मोबिलाइजिंग के लिए मिला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट आपको कैसे मिल सकता है तो भी बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं CFP पर बात। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपको जो भी नॉलेज दूंगा ना एकदम जेन्युइन होगी, और पहले से वो काम मैं कर रहा हूँ तभी चीज़ें आपको बताऊंगा, और जो भी चीज़ें होंगी एकदम क्लियर कट होंगी, उसमें कोई भी तरीके का छुपा नहीं होगा और आपके हित का ही वो प्रोजेक्ट होगा, तभी मैं चीज़ें बताऊंगा। मेरे पास एक ये हैंड एम्ब्रॉयडरी किट है और दूसरी है IT की किट है जिसमें आप कंप्यूटर की सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने कराई हुई थी। अपने डिप्टी में मैंने करीब 500 का टारगेट था एक ब्लॉक में, और इसकी ट्रेनिंग मैंने कराई हुई है। तो आज हम इस किट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि इस किट में क्या क्या आता है। अभी हम केवल ये जो किट है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किट में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम किट अनबॉक्स करने वाले हैं IT की, जिसमें हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये किट था। तो हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत के नाम से एक लेबल लगा हुआ है। तो हम इसको ओपन करने वाले हैं और यहाँ पे जो ट्रेड है, देखिए ट्रेड भी IT का यहाँ पे स्लिप लगा हुआ है। तो हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। तो और ये जितना भी सामान हमारे पास आया हुआ है सारा सील पैक्ड है, तो तब तक हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास ये मल्टी मीटर आया हुआ है। अब IT वालों के लिए मल्टी मीटर किस काम आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो कोर्स था हमारा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का था। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मल्टी मीटर मिला हुआ है। इलेक्ट्रीशियन वालों का ये शायद मेरे हिसाब से ये सामान है। बैटरी यहाँ पे दी गई है उसके साथ, तो इसको हम रखते हैं साइड में। दूसरा देखते हैं हमें और क्या मिला हुआ है। और देखिए अब ये इसको बोलते हैं कहिया, जिससे हम किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं। तो ये नॉर्मल हमारे पास मिला हुआ है, इसमें IT के लिए है। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ये है पावर केबल, ये PC की पावर केबल है, कंप्यूटर की पावर केबल है, ये दिया गया है पावर केबल, ये किस काम में दिया गया है। इसके बाद हमें मिला हुआ है प्लास, शायद इसमें कंप्यूटर खुलता होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स था और हमें क्या दिया गया प्लास, बहुत अच्छी बात है, इसको भी साइड में रखते हैं। वाह ये सबसे अच्छा है, कम से कम हमारे यूज का तो होगा, पेन डिस्क मिली हुई है और ये कितने GB की है, 16 GB के एक हमें पेन ड्राइव मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद आई हुई है। एक पेचकस दिया गया है, ठीक है कंप्यूटर खोलने के काम आ जाएगा। वाओ चलिए कम से कम डेली यूज के लिए आपको एक टूल किट में पेचकस मिला हुआ है। इसमें एक आपको एक छोटा सा हैमर भी दिया गया है और साथ में इसके साथ में जो भी टूल्स हैं पेचकस हैं ये सारे अलग अलग पांचे के हिसाब से मिला हुआ है, ये भी काफी अच्छा है। इसके बाद ये हमारा ये कटर है, मैं कटर दिखा देता हूँ, ये वायर कटर है, ये भी काफी अच्छा है, ये भी हमारे यूज में आ जाएगा, बट कंप्यूटर काटने के यूज में आएगा है पता नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में।
और कुछ से बड़ा सा है, क्या है? चलिए मास्क मिला हुआ है, मास्क आया हुआ है, कैप है, कैप लगा करके क्या इसको क्या बोलेंगे, इसे कैसे पहनेंगे? वाओ अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, ये मास्क आया हुआ है। कंप्यूटर कौन चलाता है मास्क यूज करके? पॉकेट में क्या है? डस्टबिन। इसके साथ ये क्या है? ग्लव्स। ग्लव्स आधा यार, ये क्या क्या दिया है? वाह, इसको पहन के हम कंप्यूटर चलाएंगे क्या? क्या दिया है ये टूल किट के नाम से, क्या दिया है? मास्क, चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। ये क्या है? पीपीटी किट है दोस्तों। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये निरर्थक है, हम डाटा एंट्री का कोर्स तो हम लोगों ने किया है, बट ये पीपीटी कौन पहनेगा? हाँ दया, इसका तो कोई काम भी नहीं है पीपीटी किट का। क्या दिया है? और हमारे ये गिर गया था, ये लीजिए डस्टबिन पन्नी है। जैसे कंप्यूटर का कोई वेफ निकलता है तो डस्टबिन पन्नी में आप रख सकते हैं। वाओ ये थोड़ा सा अच्छा है, अगर जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं कि ये चश्मा मेरे ऊपर कैसा फूट कर रहा है। चलिए देखते हैं फिर। ये रहा हमारे पास टूल किट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई। बेसिकली हमें एक से दो चीज़ें इसमें बस सही हैं, बाकी तो मुझे कुछ खास नहीं लगा इस टूल किट के अंदर, और कुछ खास है नहीं फिलहाल। कंप्यूटर से रिलेटेड इन्होंने कुछ नहीं दिया है। और अब देखते हैं कि हमारी जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी जो हाथ से सिलने वाले जो सामान होते हैं, जैसे हाथ से बने हथकरघा वाले सामान जो होते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है इन्होंने। आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है। जैसे मैंने सील को अनबॉक्स किया, यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट है, और हैंडीक्राफ्ट में वाह सबसे अच्छा चीज निकल के आया है हैमर। इससे सिलाई मशीन, और इसको ठोंकने के काम आएगा, बाकी लोगों को भी ठोंक सकते हैं आप इससे। तो चलिए ये काफ़ी यूजफुल है, इसको रखने साइड में। और वाह ये इसको बोलते हैं आरी, आरी के साथ ब्लेड भी दिया है। चलिए बहुत अच्छा, देख सकते हैं क्या किट आया हुआ है। ठीक है साइड में इसको रखते हैं। हमारे पास एक और हथौड़ा, ये थार का हथौड़ा है, थार में तो आपने देखी होगी, वैसा ही ये हथौड़ा है, एकदम गोल मटोल, वैसे ये प्लास्टिक का पूरा बना हुआ है, अच्छा है, साइड में रखते हैं इसको। उसके बाद ये क्या है? शायद रेगमाल, रेगमाल हो सकता है। हाँ दोस्तों रेगमाल है, रेगमाल इतना पीस दे दिया है, ये भी पता नहीं किस काम आएगा। क्या दिया है? मुझे लगता है ये लोहार की किट है, गलती से ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी में आ गया है। चलिए दो मार्कर दिया गया है, दो मार्कर इसमें आए हुए हैं, अच्छी बात है। एक कैंची एकदम छोटी सी आई हुई है, वैसे हमें बड़ी कैंची की उम्मीद थी, बट बहुत छोटी कैंची इन्होंने दी हुई है। उसके बाद ये
फर्नीचर नापने के लिए पटरी वगैरह दी गई है, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसको इसका क्या नाम है। वैसे शायद कुनिया बोलते हैं देसी भाषा में। चलिए एक इसमें और अच्छी चीज निकल के आती हुई, सेम डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो चीजें थी साथ में हथौड़ा और ये पूरी टूल किट है, तो उसको भी साइड में रखते हैं। एक पटरी और दी गई है हमारे पास, लोहे की ये पटरी है, स्टील की दो पटरियां साथ में दी गई हैं। चलिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद एक इंची टेप दिया गया हुआ है, ये भी वैसे इसी पे रिलेटेड भी है तो ये अच्छा है। दूसरा ब्रश दिया गया है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये ब्रश जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले हैं हथकर का हाथ से सिलाई बुनाई कढ़ाई करने वाले पेंट करेंगे, क्या दिया है NFDP वालों ने, मतलब 2000 रुपए के टूल किट के नाम पे चूरन पकड़ा दिया। वैसे ठंडी आने वाली है, ठंडी आने की आने वाली है, इसकी वजह से इन्होंने एक एक ग्लव्स दिया हुआ है। ग्लव्स का क्वालिटी तो ठीक है, तो ग्लव्स आए हुए हैं। इसके बाद इससे भी हमें मिला हुआ है मास्क। मास्क बहुत अच्छे क्वालिटी में शायद आया है, मास्क ही है, हाँ मास्क है, क्वालिटी वाह, क्वालिटी के नाम पे मैंने सोचा क्वालिटी अच्छी है बट मास्क पहले ही टूट गया। मुझे लगता है कि मास्क कोरोना टाइम के बचे हुए थे जो सप्लाई नहीं हो पा रहे थे, बिक नहीं रहे थे, तो उन्हीं को भेज दिया गया है, स्टॉक वाले मास्क हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत फिलहाल है नहीं अभी, बट कोई बात नहीं, अच्छा है जो दिया इन्हों। इसके बाद ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। वाह, अभी जो मैंने लगा रखा था सर पर ये वही है, सर में लगाने के लिए है। अब इसको मैं क्या बोलूं, इस पर तो मेरा फर भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखा भी आपने ये सारी जो टूल किट्स है, अभी ये हमारे पास स्किल इंडिया के तहत आया हुआ था जो कि NFDC का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ये सारी चीजें हमें मिली हुई है। और आपके सामने ये दो टूल किट्स हैं और इनमें क्या क्या चीजें गलतियां हैं या कैसा टूल किट है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा ताकि हम चीजों को और अच्छे से डिफाइन कर सकें। बाकी इतना चीजें मिले, बाकी ये प्रोजेक्ट कैसे मिला है, किस तरीके की वर्किंग होनी, ये चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर दें, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आप कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से इसमें वर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।